हेलो दोस्तों, हमारे यहाँ चल रहा है सूतक पातक। एक बुजुर्ग बाबा थे जो एक्सपायर हो गए हैं और लगभग हफ्ते भर से हम लोग जो भी उसमें सूतक पातक में सब अवॉइड किया जाता है उस तरीके से रहना पड़ता है, तो इस तरीके से हम लोग रह रहे हैं। लगभग हफ्ते भर से हम लोग के यहाँ बिना हल्दी के दाल चावल सब्जी तो बनती नहीं है, चोखा चटनी और रोटी ये सब बना रहे हैं क्योंकि तेल का यूज नहीं होता, हल्दी का यूज नहीं होता है और भी तरह तरह की हैं सब, साबुन सर्फ यूज नहीं होता है, तो सब कुछ अवॉइड करना पड़ता है। तो किचन में मैंने सोचा रोज़ हफ्ते भर से ही बन रहा है, तो आज मैंने सोचा कुछ टेस्टी बनाया जाए। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने शाम का समय है क्योंकि एक दिन दो दिन और बस उसके बाद में सब बाल बन जाएगा, तब सब सही हो जाएगा। तो मैंने क्या किया है, आज मैं आलू और एक छोटा छोटा जो बहुत बेबी टाइप का फूलगोभी था उसको मैंने उबलने के लिए रख दिया, और मटर थे तो उसको भी वैसे बिना छीले ही उबलने के लिए मैंने रख दिया, आलू मटर और गोभी। इसके साथ साथ मैंने रख दे रही हूँ चावल पकने के लिए। चावल मैं थोड़ा गीला ही बनाऊंगी क्योंकि मुझे उसको चोखा यानी कि भरता के साथ में सर्व करना है। इसके बाद मैंने क्या किया, आलू टमाटर आलू गोभी और मटर मैंने उबलने के लिए रख दिया। इसके बाद यहाँ मैं थोड़ा आग ही जला ले रही थी हाथ धो सकने के लिए, शाम का समय है। तो इसके साथ साथ मैं क्या कर रही हूँ, मैं हरा धनिया और हरी मिर्च और अदरक और नमक लेकर के उसको मैं चटनी बना ले रही हूँ। और इसके बाद मैं क्या करूँगी, जब मटर उबल गया तो मैं मटर को छील करके उसको मैं जो है इस तरीके से क्रश कर ले रही हूँ। इसके बाद मैं इसी तरीके से जो है फूलगोभी को भी क्रश करूँगी मैश करके। इसके बाद में आलू को भी इसी तरह से मैश कर लूँगी आपस में। इसके बाद में सब मिक्स करके और उसमें चटनी डाल करके एक बढ़िया सा टेस्टी सा जो है भरता यानी कि चोखा तैयार कर लूँगी जो बहुत ही यमी और टेस्टी बनेगा। तो इस तरीके से मैंने चोखा जो है मैश करके आलू को तैयार कर लिया, आलू फूल गोभी और मटर और साथ में हरे धनिया की चटनी सब मिक्स करके अच्छे से। इसमें टमाटर भी आप यूज कर सकती हैं जिससे थोड़ा सा खट्टापन आ जाएगा और अच्छा लगेगा। मैंने टमाटर नहीं डाला है फिर भी ये बहुत ही टेस्टी बना था। इसके साथ में चावल सर्व करूँगी और इसी तरीके से टेस्टी और स्वादिष्ट चोखा भात मैंने तैयार कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।